welcome to the Kapil Sharma Show. Bumper. Good morning. Morning, Paji. Morning. Good morning. Good morning. वैसे क्या है कि यहाँ की अलार्म क्लॉक ना मैं ही हूँ और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं सिर्फ मुर्गा बनने का काम नहीं करती कभी-कभी अंडे भी दे देती हूँ वैसे आप उठ जाइए चलिए फ्रेश हो जाइए आइए फ्रेश कैसे हूँ तुम्हारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा यहाँ नहीं नहीं यहाँ पे वो जो बाथरूम समझ के आप जहाँ चले गए वो बाथरूम नहीं था वो तो मेरा कबर्ड था आप उसमें खैर कोई टेंशन नहीं है मैं आपके लिए सारा सामान लेके आई हूँ सारी तैयारी करके आई हूँ मैं ये लीजिए ये आपके लिए रेलवे लाइन पीछे है यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा जल्दी चले जाइए 15 मिनट के बाद शताब्दी एक्सप्रेस आएगी अच्छा एक मिनट आप जा ही रहे हैं ना तो जरा ये भी साथ ले जाइए ये क्यों ये क्या सलवार है हाँ इसका क्या करूँगा तो वहाँ बैठ के बोर होएंगे कुछ करने को होगा नहीं नाना डाल दीजिएगा ना मेरे लिए आप तैयार हो जाए आप रेडी होइए मैं तब तक आती हूँ ओके आई विल जस्ट कम बैक ओके ओके ऑल द बेस्ट जोरदार तालियां मेरे और अनुष्का के लिए रणबीर के लिए ये सब तो ठीक है तो मुझे यहाँ अकेला छोड़ के तुम इसके साथ मर्डर मिस्ट्री कहाँ करने गए थे अरे हम सैर करने गए थे मॉर्निंग वॉक ये वॉक वॉक करके पता नहीं कहाँ भगा लेगा तेरे को तो ओके जोरदार तालियां हो जाए रणबीर और अनुष्का के लिए ये कहाँ ये आप कहीं जा रहे थे ये मेरी लोटा लेके ये बम्पर का पेटीकोट है ना हाँ ये किसी की शादी हो रही थी तंबू काट के उसने बनाया आई नो ये क्या है लोटा ओहो हमारी सारी प्रॉपर्टी बाहर घूम रही है क्या पाजी आइए कोई लोटा देता है पता कितने मच्छर थे थैंक गॉड फीमेल थे रात रात इतना काटा उन्होंने मुझे वो रणबीर कपूर है ना आप इसलिए क्यूट लगते हैं आप उनको सारी लड़कियों को लगते हैं आप आइए 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 यहाँ पे विराजमान होइए आपने अरे चारपाई लेके जाओ शो का स्टैंडर्ड डाउन करते तुम लोग कितनी बार का अच्छा वाला बेड लगाया करो सॉरी आपको जो तकलीफ हुई पर कोई बात नहीं यार आप इंजॉय भी तो इतना करते हो बिल्कुल दिल है मुश्किल में दो दो खूबसूरत लड़कियां अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय के साथ रोमांस कर रहे हैं क्या बात वाकई यार नहीं जब आपको पता चला कि अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या के साथ आपको रोमांस करना है तो आपने दो लड़कियों के साथ रोमांस करना है तो फीस नॉर्मल ली या आपने डिस्काउंट दिया था उनको करण से एक्चुअली मैंने करण को पैसे दिए थे अच्छा प्लीज ऐसा कर दे मेरी ख्वाहिश है एक तरफ ऐश एक तरफ अनुष्का जन्नत ही जन्नत वाकई रोशनी का टुकड़ा है वो रेशम जैसी महीन झील सी गहरी आंखें रंगों से ज्यादा रंगीन काश आप होते घड़ी तो बांध लेते कलाई पे दिन में बार बार देख कर कहते ये वक्त कितना हसीन है ये वक्त कितना अनुष्का रणबीर का ये कहना है इन्होंने कहीं कहा था कि वर्किंग विद करण इज लाइक ए पार्टी ऐसा क्यों बोलते हैं ये मतलब क्या वो शूटिंग चलते चलते बीच में ड्रिंक्स ऑफर करते हैं ड्रिंक्स तो नहीं ऑफर करते तो फिर क्यों पार्टी जैसा माहौल क्यों होता है रणबीर वहाँ पे एक तो करण बहुत ही रियल पर्सन है जी उसको डायरेक्टर बनने की एक्टिंग नहीं आती अच्छा। और ज्यादातर जो हमारे इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स है जी वो शॉर्ट तो बता देते हैं लेकिन पूरे दिन जो सेट पे रहते हैं ना वो डायरेक्टर की एक्टिंग करते कैसे मॉनिटर के पीछे बैठे हैं ऐसा सोच रहे हैं माइंड में कुछ नहीं चल रहा सबको काम सबको दे दिया एक्टर एक्टिंग कर रहा है लाइटिंग कर रहा है सिनेमेटोग्राफर लाइटिंग कर रहा है तो आई थिंक करण इतना रियल है कि ही जस्ट वॉन्टेड कि हम मजा करें सेट पे अगर हम मजा करेंगे वो एनर्जी होगी वो माहौल रहेगा और वही फिर पर्दे पर यू नो ये वही एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल वही ट्रांसलेट होती है तो बिकॉज मैंने इससे पहले इतने भारी भरकम रोल्स किए थे यू नो इंटेंस डायरेक्टर्स इम्तियाज अली अनुराग कश्यप अनुराग बासु तो
मेरी आदत हो गई थी कि यू नो सेट पे सैक्रिफाइस करना, मैं अपने मूड में बैठा हूँ. मैं अगर ऊपर भी देखता तो डायरेक्टर यू नो पीछे से बोलता तो वापस मूड में जाना जाना था. और यहाँ करण के सेट पे मैं और अनुष्का एक्टिंग कर रहे हैं. कैमरा है, करण वहाँ बैठा है मॉनिटर के साथ, हम एक्टिंग कर रहे हैं. और इसका डायलॉग मैं ऐसे देखता हूँ, करण पीछे से डांस कर रहा है मॉनिटर पे, ऐसे कुछ चेहरे बना रहा है, मतलब कुछ वो इंसान ही कुछ और. एक तो ट्रॉली शॉट हो रही थी कि कैमरा ट्रॉली पे लगाया और वो ऐसे ऐसे आगे 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 आएगा और मैं बैठी हुई और मैं कुछ फोन पे कुछ मैसेज वैसेज भेज रही हूँ शॉट में और मैं ऊपर देखती हूँ एंड शॉर्ट कट. तो करण स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू द ट्रॉली और वो कैमरा आया 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 यहाँ पहुँचा. मैंने ऐसे करा, मैंने ऊपर देखा, मैं स्माइल किया और करण जौहर दूसरी तरफ ये कर रहा है. कट. हेलो. या अच्छा लिसन, यहाँ पे ना इन द ऑफिस लाइक सो ही इज मूव्ड ऑन टू समथिंग एल्स. मतलब शॉट लेके वो मतलब किसी और पिक्चर की बात करने लग गए. बड़े प्रोड्यूसर है ना, एक टाइम पे कितना कुछ चल रहा होता है. मल्टीटास्कर है, मल्टीटास्कर. आई मीन बहुत मुश्किल होता है इतना सब कुछ यू नो हैंडल करना. वो रियलिटी टीवी शोज में भी होते हैं, वो एक्टर भी है, वो मॉडल भी है, आई थिंक वो प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है. एक्टर थे, उनका एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया. जब हम तीनों बॉम्बे वेलवेट कर रहे थे तो सबको पता है कि करण जौहर की पहली डेब्यू फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी जी. उन्होंने शाहरुख सर के दोस्त का किरदार निभाया था, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला था और वो अवार्ड के भूखे हैं. मतलब अवार्ड तो चाहिए उनको. शूटिंग के दौरान कहा था कि आई होप पीपल फॉरगेट बॉम्बे वेलवेट मेरी सॉरी दिलवाले दुल्हनिया मेरी डेब्यू फिल्म है, क्योंकि मुझे सारे अवार्ड्स ये फिल्म के लिए चाहिए. अच्छा. जैसे फिल्म रिलीज हुई जो पलटी मारा, मेरी तो दिलवाले दुल्हनिया डेब्यू फिल्म थी, तो पूरा मतलब पारी ऑफ ही कर दिया. अच्छा अनुष्का, मुझे एक बात बताइए, आप जब भी आप हिल एरिया में शूट करते हैं, इतनी ठंडी ठंडी जगह होती है, शिफॉन की साड़ी पहना के, एक तो फॉरेन में जाते हैं, हाँ बुडापेस्ट स्विट्जरलैंड, हीरोइन को यहाँ से साड़ियाँ ले जाते हैं काफ़ी सारी शिफॉन की साड़ियाँ, वो पहना देते हैं, इतनी ठंड लगती है. लड़कों को कभी नहीं ऐसा करते कि आप खाली सैंडो पहन के आ जाओ लड़कियों के साथ, इतना इंसाफी क्यों? ये ना इंसाफी, इसके बारे में आप खुल के बोल सकती हैं आज. बहुत 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 बुरी बात है. मैं सालों से देखती आई हूँ कि ऐसे एक्ट्रेसेस खड़ी रहती थी, मतलब खूबसूरत लग रही होती थी, लेकिन देख के उनको लग रहा है कि मक्खी कैसे कर रही है ये, और आदमी लोगों ने पहना हुआ है स्वेटर और जैकेट. एंड जब वो उनको पकड़ती थी ना, तो मुझे देख देख के लगता था कि ये बस ना गर्मी के लिए कर रही है. बट वो देखने के बाद भी मैं सोचती थी यार ऐसा कभी करना चाहिए, तो वो करने का मुझे मौका अच्छा मिला. ऐ दिल है मुश्किल में हम लोग ऑस्ट्रिया में शूटिंग कर रहे थे, तो एक ग्लेशियर के ऊपर हमने शूट किया था. अच्छा. और मैंने एक साड़ी पहनी थी शिफॉन की, जैसे आपने कहा, तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मतलब क्या होगा, तभी इतना खराब हो जाए. तो मैं साइक किया अपने आप को कि नहीं, मैं मुझे ठंडी नहीं लग रही है, मुझे ठंडी नहीं लग रही है, आई एम फाइन, आई एम ओके. और वो ना केबल कार जाती है ऊपर, तो नीचे तो मैं आई एम फाइन, आई एम ओके, हाँ सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, लेकिन जैसे जैसे वो केबल ऊपर जा रहा था ना, मेरा ना कॉन्फिडेंस नीचे आ रहा था, क्योंकि ठंडी बढ़ रही थी. लाइक आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम फाइनली आई रीच ऑन सेट. ये भाई साहब, इन्होंने इतने सारे कपड़े पहने हुए, मतलब ग्लव्स पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, आई थिंक बीनी भी पहनी हुई थी, कान इसके कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है. ये इट्स टू कोल्ड मैन. मुझे इतना गुस्सा आया कि उस गुस्से से ही मेरी बॉडी गर्म हो गई. मैं इसको मार दूंगी. पाजी सोशल सर्विस था, आई न्यू के अगर गुस्सा होगी तो बॉडी गर्म हो जाएगी. समझ रहा हूँ. मैं लेयर्स में काम करता हूँ. आई नो कपड़े की लेयर्स और स्टोर के लेयर्स में काम करता. अच्छा, मौसम का बड़ा प्रभाव होता है. आपको डायलॉग गुस्से वाला बोलो, चले जाओ मेरी जिंदगी से, ये तुमने मेरे साथ गलत किया है, पूरे ठंड लग रही है. मैं सोशल नेटवर्किंग पे फोटोग्राफ्स देखे कुछ, कि रणबीर को करण सर कुछ नहीं बता रहे हैं कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, अनुष्का को सीन कर करके बता रहे हैं. अब मुझे पता नहीं कि वो इनको कुछ सिखा रहे थे या उनका खुद हीरोइन की एक्टिंग करने का दिल कर रहा था. पता है बिगिनिंग में क्या हुआ कि हम सेट पे पहुंचते थे तो डायरेक्टर बोलते हैं एक्टर्स को कि ओके गाइस आप सीन करिए, एक्टर्स ब्लॉक करते हैं सीन को, हम पूरा सीन इनएक्ट करते हैं जी, एंड देन शॉट लगता है जो भी. पहले कुछ दिन मैं आती थी सेट पे, रणबीर अपना पार्ट कर रहा होता था और करण मेरा पार्ट कर रहा होता था और दोनों एक दफ अपने बीच में सीन कर लेते थे और मैं बस देखती रहती थी
ये क्या हो रहा है? हमारे पास तस्वीरें भी, मैं सबको दिखाता हूँ यहाँ पे. प्लीज दिखाइए, प्लीज जरा दिखाइए क्या हो. ये देखिए, वो देखिए, करण जौहर पूरा इंजॉय करते हैं करण सर अपनी फिल्मों को. एक और है हमारे पास, पेश कर रहे हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर. अनुष्का से ज्यादा फीलिंग ली नहीं करण सर ने. अच्छा कपड़े उन्होंने खुद भी देखो कितने पहने हैं. अनुष्का बेचारी को देखो, पतली सी साड़ी. रणबीर मैं आप, ये आप दोनों से सवाल है. आपने हर तरीके की फिल्में की हैं, आपने भी NH10 में मारधाड़ भी काफ़ी की, सुल्तान में कुश्तियाँ की, रणबीर ने भी काफ़ी सारे एक्शन फिल्में भी की हैं, रोमांटिक भी की हैं. आपको मज़ा ज़्यादा किस में आता है, रोमांस करने में आता है? मैंने एक्चुअली नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात पूछी थी, उन्होंने आज तक कभी कुछ किया नहीं था ऐसा रोमांटिक सीन. उनको सोहेल भाई ने एक फिल्म में करवा लिया रोमांटिक सीन, वो बोलते मेरे मुँह को खून लग गया है. तो कहते मैंने कभी सोचा नहीं था अब मेरे को यही फिल्में करनी है, तो वो रिजेक्ट करी जा रहे हैं. तो मतलब उनका तो मुझे क्लियर हो गया. आपको ज्यादा किन चीजों में मजा आता है, मतलब कैसी फिल्म करने में? मैं प्रार्थना करता हूँ कि नवाज भाई के मुंह में खून ना लग जाए, क्योंकि अगर वो रोमांटिक रोल में आ जाए हमारी खैर नहीं रहेगी, क्योंकि वो इतने अच्छा एक्टर है. और जब मैं अपनी पहली फिल्म कर रहा था सांवरिया, संजीव लीला भंसाली मुझे लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने तभी मुझे कहा था कि मेरा जो फेस स्ट्रक्चर है ना, मेरी आंखें का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो बोन है ये थोड़ा नीचे आता है, तो अगर मैं नॉर्मल भी रहूँ ना, मेरे फेस में बहुत उदासी है, देखो. तो वो पहले से ही मेरे जहन में बैठ गया था कि जो इंटेंस सैड वाले रोल्स है ना, मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ. अच्छा. जब वो फन रोल्स होते हैं ना, जहाँ यू नो खेल कूद है और हंसना, मैं हंसता नहीं हूँ. अच्छा. मैं हंस नहीं सकता फिल्मों में. हंसा के दिखाओ, जिस इसकी हंसी को भी सुनना. इसके पीछे एक रीजन बताता हूँ कि मेरी हंसी में कोई आवाज नहीं है. अच्छा. तो फिल्म के लिए आवाज के बिना हंसी तो यू नो इट डजंट मेक सेंस, तो आई हैव टू पुट अ साउंड. जब मैं डालता हूँ तो एक गधे की आवाज आती है. सीरियसली थोड़ा सा मुझे ऐसे गा के बताओ. तो कुछ एक जोक मार. When you have such a great comedian, why would you ask? कभी सचिन सर को कोई बोलता है, अरे सर एक सिक्सर मार के दिखाई दे. कोई आर्मी अफसर आए, सर तोप चला के दिखाइए ना. तुम ये कह रहे हो, मैंने 4:10 पे शताब्दी ली. अच्छा. MP था, बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो 4:15 तक थक करके नींद आ गई. 4:30 बजे मुझे 3 मोहतरमाएं बहुत खूबसूरत टनाटन टनाटन हिला देखा. पहले तो मैंने यूं करके, मैं सच्ची बात है क्या है सिद्धू भाजी, हाँ जी हंस के दिखाओ. ओ मैं क्या तो अभी ऐसी हंस के दिखाओ, अरे हंस के दिखाओ, 4:15 बजे हंस के दिखाओ. बट मैं तो ये होता है. अभी आई थी. अच्छा आप ही जो क्या कर लो, हंसा था थोड़ा सा अभी. ऐसा हाल है. ये तो हाइड्रोलिक ब्रेक लग रही है यार. तभी हमारी जोड़ी अच्छी है. इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, अब बातों से ही पता चल रहा है. ऑब्वियसली आपको फिल्म में भी देखने को मिलेगी. आपने पहले कभी साथ में फिल्म को कभी की नहीं है ना? फर्स्ट फिल्म है ना? अच्छा नहीं, सॉरी. या या या. सॉरी. यू आर राइट. सॉरी सॉरी. न्यू पे. हां सॉरी. हां वो मैंने नहीं देखी, सॉरी. किसी ने नहीं देखी. मतलब पहली बार जब आपने फिल्म की थी साथ में, बॉम्बे वेलवेट की थी, आप पहली बार सेट पे मिले थे कि पहले से जानते थे आप एक दूसरे को? जानते थे. बता दे तो हमारी पहली मुलाकात वाली स्टोरी बता दे. जी ये ना मैंने इसका इंटरव्यू देखे थे, फालतू बकवास लोग, ऐसे हम मिले भी नहीं थे, ऐसे बोल रहा था. तो पहली बार हम लोग मिले थे, ये ना आई थिंक वेकअप सिटली शूट कर रहा था और मैं अपनी पहली फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का शूटिंग करी थी और हम लोग थे यशराज स्टूडियोज में और ये जिम कर रहा था. अच्छा. और मैं अंदर आई, मैं इसको देखा वर्कआउट करते हुए. तो इसने कुछ और स्टोरी बताई, मैंने अभी कोई इंटरव्यू देखा है इसका, कि मैंने बोला ओह सॉरी आई विल कम बैक. क्यों बोलूंगी मैं कम बैक, मैं वर्कआउट करूंगी अगर मैं वहाँ पे आई भी हूँ तो. ये बोल रहा है इसके वर्जन में, मैंने आके बोला ओह सॉरी आई विल कम बैक, नो 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 प्लीज वर्कआउट. मेरी कहानी में कुछ भी बोलूंगा. फिर क्या हुआ था? ये तो हुआ ना. What nonsense! ऐसा कभी नहीं हुआ. तो मैं अंदर आई, मैंने इसको देखा, इसने को देखा, हाय बोला हाय. मैंने वर्कआउट किया, इसने वर्कआउट किया, वर्कआउट नहीं किया, इसने बोला बाय, मैंने बोला बाय. मुझे याद होता अगर तू मेरे सामने वर्कआउट करती. एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इसके साथ हूँ एज एन एक्टर. There's some strange comfort that we have with one another. And ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लोग रोज़ बात करते हों या हम ज़्यादा मिलते हों.
बट एक वो है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है. आपका क्या कहना है? आप भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. रोज क्यों नहीं बात करते? बिल्कुल पाजी, बहुत कंफर्ट लेवल है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर. बड़ी अच्छी बात है, वो स्क्रीन पे आपकी केमिस्ट्री दिखती है. ए दिल है मुश्किल में ना एक ब्रेकअप सॉन्ग है जिसमें सब अपने अपने कानों पे हेडफोन्स लगा के नाच रहे हैं. वो सारे एक ही गाना सुन रहे थे कि अपने अपने हिसाब से अपना अपना लगा के नाच रहे थे? कॉन्सेप्ट एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन पाजी, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है दुनिया भर में विच इज कॉल्ड साइलेंट डिस्को, जहाँ आपको हेडफोन दिए जाते हैं और एक ट्रांजिस्टर टाइप पेजर जैसा मिलता है जो चार चैनल्स होते हैं, चार डिफरेंट डीजे होते हैं. तो आप लगाओ जो भी डीजे आपको पसंद है, जो भी ट्रैक्स आपको पसंद है, आप उस पर नाच सकते हो. लेकिन अगर एक आदमी जो बाहर से देख रहा है तो ऐसा लगता है कि सब पागल है क्योंकि सब साइलेंट में हेडफोन्स लगा के नाच रहे हैं. ये जो गाना है वही कॉन्सेप्ट पे गाना बना था. तो अनुष्का का ब्रेकअप हो जाता है तो वो डीजे के पास जाती है और कहती है कि कोई अच्छा बॉलीवुड डांस नंबर लगा. तो वो डांस नंबर लगता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो पार्टी है वो चैनल पे ट्यून करते और हम सब वही बॉलीवुड डांस नंबर करते. वाह, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है. पता है जब भी कभी भी हम लोग कभी लाइक इफ यू एंड करण के घर में हम लोग होते हैं, हम सब और भी लोग होते हैं और दोस्त वोस्त, तो कभी भी अगर कोई ये गेम होता है ना, ये वो सोच के अगर हम सिर्फ दोनों करण के घर अकेले होते तो कुछ बुरा होता. तो करण के घर होते और दोस्त वोस्त. पहले पूरी बात तो सुन लो. ये बना हुआ है एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, होल्ड ऑन. तो वो गेम खेलते हैं ना कि टीम्स बनाते समझ में आया? तो टीम्स बनाते हैं और गेम खेलते हैं ना कि गेस क्या बोलते हैं उसको, फिल्मों वाला डम्पशराज. तो कोई मुझे टीम नहीं देता, मुझे और आदित्य रॉय कपूर को लास्ट में चूज किया जाता है. ओ. क्योंकि हमारी फिल्मों की रेफरेंसेस सबसे मतलब पुअर है, लाइक 0/100. ये बात क्यों सुनाई भाई? दया पाजी, आपको पता है ये जान के आपको खुशी महसूस होगी. अच्छा मेरे को ये बहुत प्यारी लगती निष्का, अपनी बातों में बड़ा एंजॉय करती. ये खुद की फेवरेट है. बट अच्छी बात है, होना भी चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सेल्फ एंटरटेनमेंट कर रही होती हूँ. वेरी गुड. So just imagine entertainment कितना poor है, जो खुद को entertain करना पड़ रहा है. What do you mean the show is not good or what? Not this show. क्या बोल रही है? जिस थाली में खा रही है उसी में टूट रही है. नहीं यार, ये तो मतलब मेरा favorite show है. Show का नाम क्या है? Kapil Sharma Show. Nice. Sharma का show है. अजी आपको सबका है, सारे Sharma का है. बस बस आपको एक्चुअली इनका अपना शो है ये, ऐसी बात थोड़ी ना. रणबीर, आपने रॉकस्टार में रॉकस्टार प्ले कर रहे थे आप, आपने उसमें बहुत सारे लोगों से पेमेंट डेली लेकिन शोज नहीं किए. फिल्म इसमें आप हर जगह गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको शौक है एक्चुअली रॉकस्टार प्ले करने का? ऐसे नहीं कि मैं एक रॉकस्टार प्ले कर रहा हूँ, उसकी उसकी चाहत है. जैसे आप गाते हो, आपका पैशन है जी. you know, आप एक्टिंग करते हो, आप शोज करते हो, बट यू ऑल्सो लाइक सिंगिंग. ऐसे ही जो किरदार मैं निभा रहा हूँ आयान, वो एक्चुअली MBA कर रहा है लंदन में. MBA का मतलब क्या होता है? मेरे बाप की आरजू. मतलब फिल्म में, हाँ बढ़िया बोलता है, मेरे बाप की आरजू कंप्लीट कर रहा है. अच्छा, क्योंकि ये एक्चुअली गाना चाहता है. तो इंटरनेट में थोड़ी आवाज हो जाती है, बट ऐसे कोई बड़ा जनार्दन जाकड़ वाला रॉकस्टार नहीं बनता. अच्छा, एक्चुअली बहुत ही अजीब बात है कि ये रॉकस्टार सिंगर के रोल प्ले करते हैं, हालांकि इनकी आवाज द वर्स्ट है. सो मच सो दैट मुझे पता है कि जब ये रॉकस्टार के लिए शूट करते थे तो एक्चुअली गाना पड़ता है ना जब शूट कर, लेकिन आवाज किसी और की आ रही है तो ये एक्स्ट्रा स्पीकर्स मंगवाते थे कि इनको खुद की आवाज में सुनाई दे वापस. दैट इज ट्रू. और करो ना, पसंद बातें हमें मजा आ रहा है. आपस में बातें करते रहे तभी इतने एंटरटेनिंग है, वो भी बिना देखे. एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया, वो आपकी तरफ मुंह करके बैठा, आप इधर करके बैठे, हम लोग बस स्टॉप पे बैठे हुए बस की वेट कर रहे हैं. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.